हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी ऑफ डार्कनेस मूवी की, जो कि ईविल डेड सीरीज का तीसरा पार्ट है। ईयर 1992 में रिलीज हुई इस फिल्म को आईएमडीबी पर 7.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वहीं रोटन टोमेटोज पर इसे 73% एंड ऑडियंस स्कोर 87% मिला है, जो कि काफी इम्प्रेसिव स्कोर है। वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एविल डेड मूवी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो वो पहले देख ले, जिससे आप एविल डेड मूवी के पार्ट 3 के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सके। मैं अगले दोनों पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब आर्मी ऑफ डार्कनेस यानी कि ईविल डेड मूवी के तीसरे पार्ट की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमारे हीरो यश को दिखाया गया है, जो उस डरावने जंगल के भूतिया कॉटेज से उस हेलगेट से सीधा एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। उसे वहां पर बंदी बना लिया गया था। यश की लाइफ बहुत सिंपल थी, एक शॉपिंग मॉल में वह जॉब कर रहा था और लिंडा नाम की एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड भी थी। वह दोनों वीकेंड पर एक पहाड़ पर एक पुराने कॉटेज में कुछ वक्त साथ बिताने के लिए आए थे। वहां पर पुराने टेप रिकॉर्डर से यश को पता चला कि यहां पर एक आदमी हैवानों को वापस नर्क भेजने के लिए एक किताब पर काम कर रहा था। वो किताब शैतान ने लिखी थी। अब उस किताब में लिखे हुए मंत्र यश गलती से पढ़ लेता है और वह सब सोए हुए हैवान फिर से जाग जाते हैं। वो पहले लिंडा पर हावी हो गए तो यश को ना चाहते हुए भी लिंडा को मारना पड़ा। दूसरा बार यश के हाथ पर हुआ तो यश ने वो शैतानी हाथ ही काट डाला, पर फिर भी वह शैतान नहीं रुके और अगला बार यश पर हुआ, जिसके बाद वह हेल गेट खुल गया और उस कॉटेज से सब चीजें एक बवंडर में फंस गई। यश और उसकी कार एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए, एक ऐसी जगह पर जहां डार्कनेस की आर्मी थी। यह सब 13वीं सदी में पहुंच गया था, जहां से यह सब स्टार्ट हुआ था। यश वहां पर था तब उसके सामने आर्थर नाम का आदमी आता है, जो यश को पूछता है कि तुम कौन हो। यश उन्हें सच बताता है, पर आर्थर को उसके धर्मगुरु कहते हैं कि यह हमारे दुश्मन हेनरी का जासूस लगता है, शायद उसने ही हम पर निगरानी रखने के लिए उसे यहाँ पर भेजा है। तो हेनरी धर्मगुरु की बात मानकर यश को बंदी बना लेने का हुक्म देता है। अब यश को वहाँ हेनरी के साथ बंदी बनाकर आर्थर अपने किले पर लेकर आता है। हेनरी आर्थर को समझाता है कि यहाँ पर हैवानों का आतंक है और उसे हम साथ मिलकर ही खत्म कर सकते हैं, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। पर आर्थर अब कोई भी बात सुनने को रेडी नहीं था, तो वह उन सबको एक एक करके मौत के कुएं में धकेलने का ऑर्डर देता है। अब पता नहीं उस कुएं में क्या था, क्योंकि वहां पर सब लोग डर रहे थे। यश सबसे पहले खड़ा था। यश सब लोगों को कहता है कि वह हेनरी का आदमी नहीं है, पर आर्थर आखिर उसे कुएं में गिरा देता है। यश देखता है कि वहां काफी कोहरा था, तभी उसे पानी में कुछ महसूस होता है और उसके सामने एक हैवान आ जाता है, जो यश की धुलाई स्टार्ट कर देता है। यश निहत्था था, वही उसका एक हाथ भी नहीं था। वह हैवान यश पर भारी पड़ रहा था। तब आखिर आर्थर के धर्मगुरु यश को वह चेंसो देते। यश वो चेंसो अपने कटे हुए हाथ पर लगाकर आखिर एक ही झटके में उस हैवान का सिर धड़ से अलग कर देता है। आखिर वहां से चैन और अपने बेल्ट के सहारे उस मौत के कुएं से यश बाहर आ जाता है। यश बहुत ही गुस्से में था। वह सामने खड़े आर्थर को गुस्सा मारता है और हेनरी और उसके साथियों को वहां से जाने देता है। तब आर्थर सबको रोकने जा रहा था, तभी यश अपनी गन से उसकी तलवार उड़ा देता है और उस मौत के कुएं से बाहर निकले एक दूसरे हैवान को भी मार देता है। अब वहां पर सब लोगों ने कभी गन नहीं देखी थी, वह सब यश को एक मसीहा मानने लगते। सबको यही लगता है कि शायद गॉड ने ही इन हैवानों से छुड़ाने के लिए यश को यहाँ पर भेजा है। अब सब लोग यश की खातिरदारी में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद यश के पास धर्मगुरु आते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना है तो वह शैतानी किताब यहाँ इस किले पर लानी होगी, क्योंकि उस किताब में लिखे हुए मंत्र के सही उच्चारण से ही तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। धर्मगुरु कहते हैं कि अगर वह किताब गलत हाथों में चली गई तो यह सब बर्बाद हो जाएगा और सब जगह हैवानों का राज होगा। तब यश वह किताब ढूंढकर लाने के लिए रेडी हो जाता है। वो वहां पड़े औजारों को यूज करके एक लोहे का मजबूत हाथ भी बना लेता है।
अब वहाँ पर सैली नाम की लड़की आती है जो यश को उन सबकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहती है। यश को सैली अच्छी लगती है। वो सैली को प्रॉमिस करता है कि वह जरूर उस शैतानी किताब को ढूंढकर यह धर्मगुरु के पास लेकर आएगा। अब दूसरे दिन यश, धर्मगुरु और आर्थर वो किताब ढूंढने के लिए निकलते हैं। थोड़ा दूर जाने पर धर्मगुरु यश को कहते हैं कि यहाँ से आगे यश को अकेले जाना होगा क्योंकि आगे शैतानी इलाका है। यश को उस शैतानों से बचकर वह किताब वापस लानी होगी। तो धर्मगुरु यश को उस किताब के पास जाकर एक मंत्र बोलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मंत्र का उच्चारण गलत हुआ तो वह सोए हुए शैतान जाग जाएंगे। तो यश उस शैतानी इलाके की ओर अकेला ही आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उस एरिया में एंटर होता है, एक शैतानी साया उसके पीछे लग जाता है। तो यश अपने घोड़े पर से नीचे गिर जाता है और जैसे तैसे वहां से बचकर एक पुरानी विंडमिल में आ जाता है। अब वहां पर रात हो जाती है। यश को उस विंडमिल में अजीब फील हो रहा था। वहां पर और कोई नहीं था, पर यह एक शैतानी इलाका था। तो उसकी असर से वहां यश के कुछ छोटे हमशक्ल बन जाते जो उस पर हमला करते और वह सब पिद्दी मिलकर यश की धुलाई करते हैं। यश की हालत खराब हो जाती है। उसी वक्त एक पिद्दी सीधा यश के मुंह में चला जाता है। यश उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है पर वो यश को और सताने लगता है। तो यश विंडमिल से बाहर आ जाता है। वहां काफी अंधेरा था। अब यश की ही बॉडी से वह दूसरा पिद्दी यश अलग हो जाता है और यश के सामने ठीक उसकी ही शक्ल वाला दूसरा यश खड़ा था। वह बुरा यश भी उसे परेशान करने लगता है। अब वो दोनों अलग हो जाते हैं। तब यश अपनी गन से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। उस वक्त वह बुरा यश कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकल कर जरूर वापस आएगा और यश से बदला लेगा। तो यश उसे एक जगह पर दफना देता है। यश अब उस किताब के पास आ गया था, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। वहां पर ऐसी 3 किताब थी। तो यश समझ नहीं पाता कि आखिर असली वाली किताब कौन सी है। पहली बुक यश को अंदर खींचने लगती है। यश उससे आखिर बच जाता है। वही दूसरी किताब यश को काट लेती है। यश बहुत परेशान हो गया था। आखिर यश के हाथ वह आखिरी किताब आ जाती है जो कि असली थी। यश उस किताब के पास खड़ा था। यश किताब उठाना चाहता था पर वह धर्मगुरु द्वारा दिए गए मंत्र भूल गया था। तो वह कोई दूसरा मंत्र बोलकर वह शैतानी किताब उठा लेता है। तब वह अचानक सब बदलने लगता है। सब चीजें नीचे गिरने लगती है और वहां एक तूफान आता है। तूफान की असर से धर्मगुरु भी समझ गए थे कि शायद मंत्र का उच्चारण गलत हुआ है, यानी कि मंत्र के गलत उच्चारण से सब सोए हुए शैतान फिर से जाग चुके थे। यश वहां से अपनी जान बचाकर उस शैतानी किताब के साथ निकल जाता है। वही दूसरी ओर वह दफनाया हुआ बुरा यश वहां से बाहर निकल आता है। वो बहुत ही भयानक लग रहा था और वह यश से बदला लेना चाहता था। यश वो किताब अपने साथ लेकर उस किले पर आ जाता है और वह किताब धर्मगुरु को देता है, पर वो कहता है कि गलती से उसने वह मंत्र गलत पढ़ लिया था। तो धर्मगुरु कहते हैं कि अब वो सोए हुए शैतान वह किताब वापस लेने यहाँ आएंगे। सब लोग यश से नाराज थे क्योंकि एक मंत्र का सही उच्चारण वह नहीं कर पाया। वह सैली यश के पास आती है और उसे समझाती है कि अभी यहाँ से वापस अपनी दुनिया में मत जाना वरना वो हैवान सबको मार डालेंगे। उसी वक्त वहां पर एक डरावना हैवान आता है जो उस किताब के लिए वहां पर आया था, पर वो सैली को पकड़ लेता है। यश सैली को उस हैवान से छुड़ाने की कोशिश करता है पर वह सैली को नहीं छुड़ा पाता और आखिर वो हैवान सैली को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब वहां पर वह बुरा यश दिखाया गया है जो मरकर भी जिंदा था और वो सब हैवानों का राजा बन गया था। वो सब हैवानों को जमीन से बाहर निकलकर अपनी एक सेना बना रहा था। तभी वो हैवान सैली को उसके पास छोड़कर चला जाता है और तब वो शैतानों का राजा सैली को भी अपने वश में कर लेता है। वही दूसरी ओर आर्थर के सैनिक उसके पास आकर कहते हैं कि हैवानों का राजा अपनी सेना बना रहा है और बस थोड़े ही वक्त में हमारे किले पर हमला करके वह शैतानी किताब ले जाएगा। आर्थर यह सुनकर वहां से चले जाने की बात करता है क्योंकि उसका मानना था कि वो सब उस हैवान की सेना से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तब यश वहां आकर सबको कहता है कि हम सब साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और मदद के लिए जरूर पड़ने पर हैंडी और उसकी सेना भी यहां बुलाएंगे। तो सब लोग यश की बात मान जाते हैं। वही दूसरी ओर हैवानों का राजा भी अपनी सेना तैयार करके लड़ने के लिए रेडी था। उसने सैली को भी अपने वश में करके एक शैतान बना लिया था।
वही दूसरी ओर यश और आर्थर की सेना साथ मिलकर सब जरूरी हथियार और गोला बारूद बना रहे थे। वही यश की कार में भी कुछ बदलाव किए गए थे जिससे वह उस जंग में काम आ सके। उस किताब को एक जगह पर रखकर बाहर लॉक लगा दिया गया था। वह शैतान की सेना भी अब ठीक उसके किले के बाहर खड़ी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। किले के चारों ओर सैनिक थे और किले का दरवाजा भी बंद कर दिया गया था। अब हैवानों का राजा अपनी सेना से कहता है कि वह शैतानी किताब ज्यादा जरूरी है, तो कुछ भी करके यहाँ से वह किताब वहां पर लानी होगी। वह अपनी सेना को किले पर हमला करने के लिए कहता है। वह सेना किले की ओर आगे बढ़ रही थी। वही वहां पर आर्थर के सैनिक भी रेडी थे। अब मुकाबला स्टार्ट होता है। यश और आर्थर के सैनिक अपने हथियार और गोला बारूद से मुर्दों की सेना पर हमला करते हैं। वो हमले में हैवान के काफी साथी मार डालते हैं, पर वह शैतान रुकने वाले नहीं थे। वो बड़े लकड़ी के खंभे से आखिर किले का दरवाजा तोड़ देते और आखिर मुर्दों की सेना किले में एंटर हो जाती है। अब वो सेना आर्थर की सेना पर भारी पड़ रही थी। उसमें आर्थर के काफी सैनिक मारे जाते हैं। तब यश अपनी कार लेकर आता है जिसमें काफी बदलाव किए गए थे। कार के आगे एक नुकीला पंखा लगाया गया था जिससे वह हैवान मरने लगे थे। यश वहां सब हैवानों को कुचलकर आगे बढ़ रहा था। तभी वहां ठीक उसकी कार के सामने उसे शैली दिखाई देती है जो बिल्कुल ठीक थी। उसे देखकर यश वह कार वहां से स्पीड में घुमाता है और तब वह कार पलट जाती है। यश देखता है कि वहां शैली फिर से शैतान बन गई थी और वह यश पर हमला करती है। यश शैली से पीछा छुड़ा कर हैवानों की सेना से मुकाबला करने में लग जाता है। आर्थर के सैनिक उस किताब की रक्षा कर रहे थे, पर वो सब अब और मुर्दों की सेना से नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उनके काफी सैनिक मारे गए थे। तभी वह हेनरी भी अपनी सेना लेकर आ जाता है, पर वो हैवानों का राजा किताब के काफी करीब था। वह आर्थर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो शैतानों का राजा अब उस किताब तक पहुंच गया था और उसे उठाने ही जा रहा था। तभी यश एक भाले से उस शैतान पर हमला करता है। दोनों में वहां मुकाबला होता है। आखिर यश एक मसाल से उस हैवान का चेहरा जला देता है और उसे नीचे फेंक देता है। कुछ देर बाद वो हैवान फिर से वहां पर वापस आ जाता है। उसका चेहरा जल चुका था और सिर्फ उसकी खोपड़ी ही वहां दिखाई दे रही थी। वह फिर से यश पर हमला करता है। यश काफी थक चुका था पर फिर भी उस हैवान से लड़ रहा था। वो हैवान यश को नीचे गिरा देता है और आखिर वह किताब पा लेता है। यश एक गोले के पास था। वो हैवान भी उस किताब के साथ यश को मारने के लिए वहां पर आता है। उस वक्त यश उस गोले को जला देता है। वो शैतान इससे बेखबर था और वह उसी गोले पर खड़ा था। तब यश पास पड़ी हुई तलवार से उस हैवान का हाथ काट देता है और वह किताब ले लेता है और उस जलते हुए गोले के साथ हैवानों के राजा को उछालता है। तब एक बड़े धमाके के साथ ही वो शैतान भी वहां पर मारा जाता है। शैतान के मरते ही शैली फिर से ठीक हो जाती है और शैतान की सेना वहां से भाग जाती है। वही हेनरी और आर्थर की दुश्मनी भी आखिर दोस्ती में बदल जाती है, यानी कि अब सब खत्म हो चुका था। सब शैतान मारे गए थे और वह किताब भी सेफ थी। अब धर्मगुरु यश से कहते हैं कि इस बार उसे एक काढ़ा पीकर उस किताब के सामने ही सही मंत्र का उच्चारण करना होगा और फिर वो वापस अपनी दुनिया में आ जाएगा। यह सब शैली से मिलता है और उसे अलविदा कहकर आखिर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। यश वापस मॉल में आ गया था और वह अपनी जॉब पर था। यश वहां एक लड़की के पास खड़ा था। तभी वहां एक शैतानी साया एक औरत को अपने वश में कर लेता है और यश पर हमला करने की वो औरत कोशिश करती है। तब यश गन से आखिर उस शैतान के चिथड़े उड़ा देता है। यश अब बिल्कुल रेडी था हैवानों का मुकाबला करने के लिए, यानी कि अब भी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। यश बस ऐसे ही सब लोगों की रक्षा करता रहेगा और बस यही पर आर्मी ऑफ डार्कनेस यानी कि इविल डेड 3 मूवी खत्म हो जाती है। तो बस यही पर आर्मी ऑफ डार्कनेस यानी कि इविल डेड 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।